हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम वापस से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक सर्वाइवल सीरीज। तो आज के इस वाले वीडियो में हम एक डायमंड का आर्मर बनाएंगे। क्यों? कि जब मैं वन ब्लॉक को माइन कर रहा था तो एक तो ऐसा मॉब आया जिसे मेरी कसम से फाड़ कर रखी थी। कसम से बहुत बुरे वाला मॉब था वो। मेरे ख्याल से इन्वोकर था जो तितली छोड़ता रहता है, जो हाथ में स्वॉर्ड लेकर भटकते रहता है, मेरे ख्याल से वही। तो मेरे पास कुछ डायमंड पड़े हुए हैं, अगर मैं उसका आर्मर बना दूँ तो मेरे ख्याल से गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी वॉइड में गिर गया तो डायमंड का आर्मर चला जाएगा, तो ये दिक्कत हो सकता है मेरे ख्याल से। और डायमंड मेरे पास तो रहेगा नहीं पहनने के लिए, तो हम क्या करेंगे, विलेजर से आर्मर लेंगे। तो उससे हम कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं डायमंड आर्मर का, तो उससे ही हम डायमंड का आर्मर लेने वाले हैं। तो कौन सा विलेजर देता है डायमंड का आर्मर? ग्लास फर्नेस वाला। तो हमें सबसे पहले ग्लास फर्नेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डायमंड का आर्मर ले सकते हैं। और विलेजर को मुझे मैक्स भी करना पड़ेगा तभी वो आर्मर देगा, नहीं तो देगा नहीं वो मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले हम ग्लास फर्नेस बनाएंगे। तो चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं ग्लास फर्नेस बनाना। सबसे पहले तो भाई ये उड़ने वाला पंछी को मारता हूँ, पता नहीं कब से पीछे पड़ा भाई। देखा कितना मारने से कितना हार्ड गया, देख रहे हो भाई साहब, मतलब तीन हार्ड का कर दिया इस बंदे ने। और मैंने तो क्या भी पहना हुआ है, मतलब लोहे का पूरा आर्मर पे मैंने, तभी मेरे लगे पड़े। तो यहाँ पर मैं टोटम रख देता हूँ, तो मेरा टोटम ही वॉइड में गिर जाएगा। ठीक है, अभी इसको नीचे आने देते, रुको भाई। तो नीचे भी नहीं आता यार, 10 घंटा उड़ता है ऊपर, उसके बाद मैं कभी कुछ भी काम करते रहूँगा तभी टड़क करके मारेगा। तो जल्दी से मैं फर्नेस में खाना रखा जा। ते भगवान, इसकी तो इसी के तेजी हो। जल्दी से मैं जाके खाना खाता हूँ तो पक्का ये पूरा मार डालेगा मुझे, रुको आ रहा है मेरे ख्याल से। देखा आ भी रहा था, दे दी तो फाइनली भाई, इतने घंटे दिमाग खाने बाद इसने मार के मरी गई है। तो खाना खाना भी नहीं, वाह बहुत ही सही भाई। तो खाना तो रखा था मैंने, अभी खाना कहाँ गायब हो गया। तो यहाँ पर मैं सवाल बना लिया, तो काम है मुझे। तो चलो यहाँ पर मैंने सवाल बना लिया, और मुझे क्या काम है, हमें मुझे एक लेवल अभी यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? मतलब थोड़ा बहुत देखना है मुझे आगे आगे और क्या क्या मिलता है। मेरे ख्याल से कुछ अच्छा रिसोर्स मिल जाएगा। तो अरे भाई देखो, डीप वाटर्स आ गया, मतलब अभी मेरे ख्याल से नीचे का पानी का कुछ मिलेगा मेरे ख्याल से। तो अभी के लिए इतना रहन देते हैं, तो उसको करो अभी बंद, जल्दी से चल बंद हो जाए। हाँ तो यहाँ पर चलो जाके मैं एक ठो ग्लास फर्नेस बनाता हूँ, उसके बाद हम ब्लेजर के पास जाएंगे। हम ट्रेडिंग हॉल पर चुके हैं, देख सकते हो गाइस तुम। अभी मुझे क्या करना है, बस थोड़ा सा कबाड़ बंद करो सबसे पहले। तो हम यहाँ पर बस मुझे एक ग्लास फर्नेस रखना है, उसके बाद देखते हैं कौन लेता है जॉब को, जो उसको रख दो। अभी यहाँ से देखते कौन ले रहा है जॉब, ये कौन लिया भाई जॉब को। देखो ये ले चुका है जॉब को, अभी मुझे इसको कोने पे लेके जाना पड़ेगा, मतलब विलेजर को। ये ना तो ये इधर उधर हिल के भाग सकता है मेरे ख्याल से। तो इतना बड़ा पीछे मैंने बनाया है क्यों, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में या फिर उसके पिछले वाले वीडियो में मैंने मेरे ख्याल से बनाया था। तो अभी मुझे इसको विलेजर को लेके आना है बस, रुको ये अटके तो ठीक रहेगा। तो इसको तोड़ो वापस, तो रुको तोड़ दिया मैंने, अभी खड़ा रहे चुपचाप से। अरे यार ये दिसाला हरामी, खड़ा रहे उनसे नहीं, चल उधर चला अभी जल्दी से। इसको बस मुझे इसको उस कोने में लेके घुसड़ना है, उसका हमारा काम खत्म। तो जल्दी तो हाँ बस ये हो चुका है, इसको और बंद करो अभी यहाँ पर। ठीक है ये हो चुका है, अभी देखते हैं क्या दे रहा है ट्रेडिंग में। तो जल्दी से देखते हैं यार खोल ले। तो कोल दे, कोल तो है ही नहीं यार, मेरे को कोल मिला ही नहीं था। मेरे को लगता है बहुत सारे आयरन के जूते खरीदने पड़ेंगे मेरे पास, मैं देख के आता हूँ मेरे पास कोल है कि नहीं, चलो चलते हैं। तो मैं कोल एंड चारकोल लेकर आ चुका हूँ, मुझे देखना था कि ये बंदा चारकोल लेता है कि नहीं लेता। तो उसको भी मैंने बना के ले आया, और अगर ये बंदा चारकोल लेता है तो हम इजी से बहुत इजी से इसका लेवल अप कर सकते हैं। तो देखते हैं रुको, तो ये चारकोल नहीं ले रहा। अरे यार दिक्कत, कोई बात नहीं, इससे मुझे अभी बहुत सारे जूते खरीदने पड़ेंगे, एमरेल्ड करना पड़ेगा, तो वो टाइम लगने वाला है भाई बहुत सारा। ठीक है कोई बात नहीं, तो हम एमरेल्ड कहाँ से लेंगे? तो सबसे पहले मुझे अपने फार्म पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर ही मैंने अपने बहुत सारे मैंने सीड लगा कर रखे, जिससे कि हम फार्मर को बहुत सारे मतलब फल वल बेच के उसी से हम बहुत सारे एमरेल्ड जमा कर सकते हैं। तो जल्दी से चलो हम फार्म में चलते हैं, उसके बाद हम कुछ तोड़ के लाएंगे वहाँ से। तो देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारे चीज़ लगा रखा है, जैसे कि गाजर बीटरूट। तो हम अभी के लिए हम बीटरूट तोड़ेंगे, क्योंकि बाकी सब जो फालतू सब है वो सब भाई काम का ही नहीं, मेरे को सिर्फ बीटरूट ही अच्छा लगता है। तो जल्दी से जितना भी तोड़ लिया मैंने, अभी इसको वापस लगा भी देते, चलो वापस इसी को हम बेचेंगे। तो जल्दी से इसको लगा के हम चलते हैं ब्रिजर के पास में, उसके बाद देखेंगे ट्रेडिंग करेंगे। तो चलो गाइस वापस मैं ब्रिजर के पास जा रहा हूँ, अभी मुझे क्या करना है, अभी बस ट्रेडिंग करनी है। तो जल्दी से इसको खोलो, अभी बंद करो ना तो कोई भाग जाएगा यहाँ से अभी। तो चलो इसको, ये रहा हमारा बीटरूट का क्या बोलते हैं ट्रेडर। तो इसको चलो जितना भी है सबको बेच देते हैं यहाँ पर अभी। तो चलो सबको मैंने बेच दिया है, चलो अभी जल्दी से एक जूता खरीद लेते हैं। और इतना जल्दी तो लेवल अप इसका होगा नहीं, देखते रुको एक मिनट अभी के। देखो इतना कम लेवल बढ़ा, तो मतलब बहुत टाइम लगने वाला है मुझे, तो दिक्कत हो सकती है मेरे ख्याल से मुझे। तो मुझे साथ मेरे ख्याल से मेरे एक्सपी फार्म पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर बहुत सारे बोन रहते हैं, उसका हम अगर बोन मिल बना देंगे तो जल्दी से हम अपना सब्जी को उगा पाएंगे। 75 years later चलो गाइस वापस मैं ट्रेडिंग हॉल पे आ चुका हूं, और वो वाला ब्लेयर से बस मुझे एक ठो जूता खरीदना है, उसका दो लेवल 2 का हो जाएगा, और उसके बाद हम उसका आयरन बेच के डायमंड का आर्मर हम ले सकते हैं। तो चलो जल्दी से इसको हम मतलब क्या करते हैं, बेचते हैं इसका, पहले मतलब खरीदते हैं। तो देखो ये लेवल 2 का हो चुका है फाइनली, अब इसको आयरन बेच के जल्दी से इसका, चलो आयरन फार्म में चलते वक्त छोड़िए। तो चलो गाइस यहाँ पर आयरन फार्म पे मैं आ चुका हूँ, और तो मैं ये वाला आयरन फार्म देखना है मैंने कैसे बनाया। तो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तुम जाके देख सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कितना आयरन है।
जो देखो यहाँ पर आके पहले ही मर गया। अरे भाई साहब देखो यहाँ पर आयरन दिखाता हूँ मैं, तो देखो भाई गद्दे पड़ा हुआ है, बस एक घंटा ऑफलाइन कर लो भर्ती, ठीक है वापस चलते चलो। क्या चलेगा वापस में ब्लेजर के, मतलब ब्लेजर के पास में आ चुका हूँ, बस मुझे इतना आयरन है मेरे पास जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो जल्दी से इसको बेचते हैं, उसके बाद हम इसको डायमंड कारमर लेंगे, तो जल्दी से चलो इसको बेच देते हैं। तो ये रहा, अरे अरे यार जूता क्यों खरीद लिया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, चलो आयरन बेचते हैं अभी, अब मुझे खरीद लिया मैंने, ठीक है जल्दी से उसका आयरन बेच देते हैं। तो देखो इसका बंदी हो गया आयरन का, देखो और लेगिंग्स डायमंड का लेगिंग्स खुल चुका है यहाँ पर, कैसे देख सकते हो तुम। और लास्ट में बस एक आर्मर खुलेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आर्क ग्लास फर्नेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ दो ठाई आर्मर का देता है, मतलब डायमंड का आर्मर सिर्फ दो ठाई देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है। तो चलो हम जल्दी से एक ठो ग्लास फर्नेस आर्क बना के हम लाते हैं जल्दी से। तो ग्लास फर्नेस के लिए जितना भी दरकार था सामान मुझे मैंने कर लिया, अगर तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो अभी क्या क्या दरकार पड़ता है सामान, ठीक है। तो स्मूथ स्टोन का भी दरकार पड़ता है 3 ठो मेरे ख्याल से। तो चलो ये हो चुका है, अभी हम चलते हैं विलेजर के पास में और देखते हैं ये जो मतलब विलेजर बचा है कहीं कोई फुकटी वाला, तो उसी को हम जॉब देंगे। तो इसको अभी बंद करो यार, ठीक है देखते हैं। अरे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कितना जूता मेरे को खरीदना पड़ा, देखो लगभग 9 ठो खरीदना पड़ा, तभी 1 ठो लेवल हुआ था भाई उसका, ठीक है। अभी देखते हैं जॉब कौन लेता है, तो जल्दी इसको रख देता हूँ मैं, कौन लिया है, हाँ ये लिया, चलो इसको घुसाड़ के आता हूँ मैं। तो चलो इसको कोने में घुसाड़ दिया मैंने, अभी चलो जल्दी से इसको लेवल अप हम करते हैं। तो मुझे जूता लगता है खरीदना पड़ेगा अभी यार, एमरल्ड भी नहीं है, तो सब करके मिलता हूँ मैं आपसे। 75 years later, चलो मैं वापस आ चुका हूँ और मुझे बस 1-2 जूता इससे खरीदना है, उसके बाद हमारा खत्म लेवल 2 का ये हो जाएगा। तो चलो इसको जल्दी से लेवल 2 कर दिया मैंने, अभी इसको लेवल 3 का हम जल्दी से कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं बंदे ने मुझे क्या दिया है। तो जल्दी शूज़ दे दिए, चलो इसने बंदे ने मुझे जूता दे दिया है, अभी बस मुझे एक हेलमेट चाहिए, उसके बाद हमारा पूरा सेट हो जाएगा। तो जल्दी से मैं इसको लेवल मैक्स कर देता हूँ, तो चलो ये मैक्स हो चुका है। तो अभी चेस्ट प्लेट दे दिया, दिक्कत गई जो, चलो हेलमेट मेरे पास डायमंड पड़े हुए, मैं हेलमेट खुद ही बना लूँगा। तो अभी के लिए चलो सो जाते हैं, उसके बाद देखते हैं सुबह क्या करना है। तो चलो अगर सुबह हो चुकी है यार, मुझे बस मैंने डायमंड का पूरा आर्मर तो बना लिया मिकील, तो टूल्स रह गए, टूल्स का मैं क्या करूँगा, टूल्स भी मुझे मतलब विलेजर से मिल लूँगा जाके, खुद तो बनाऊँगा नहीं, तो चलो विलेजर से ले जाके लेते हैं। और यहाँ पर मैं रैक्सपी भी कर लेता हूँ, या फिर मैं सामान जुगाड़ करने के लिए जो भी है यार कर लो इधर। अगर तुम्हें देखना है कि मैंने एक्सपी फार्म को कैसे बनाया, तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दोनों मिलेंगे, तुम जाके देख सकते हो मैंने कैसे बनाया था एक्सपी फार्म को और कैसे वर्क कर रहा है, तुम तो देख ही लिया तुमने। चलो इसको बंद करो अभी, तो अभी कौन खाली विलेजर है, कोई पड़ा हुआ इधर क्या, और देखो तो रेडी है भाई, इसको जल्दी से जाके हम जॉब देते, रुको थोड़ा अंदर चलो भैया, हाँ चलो लो जल्दी पकड़ लो इसका जॉब, पकड़ लो भैया। अरे कौन हड़प लिया भाई इसका जॉब, अरे तेरी भाई, तो पता नहीं इसका जब कौन ही ले गया यार, अब देख क्या, तो मेरे को उसको जैकेट हम टेबल दे देंगे। तो कौन है और देखो ये रहा कौन, हमें दिख गया इसको, ले इसको ला के दे दिया को टेबल को, तो चलो इसको टेबल दे दिया है मैंने, अभी मुझे देखते हैं क्या दे रहे हैं हमें। तो चलो एक कम्प्लीट पैक हो मिल रहा है, तो इसको हम जल्दी से लेवल अप कर देते जल्दी से, और देखते हैं हमें डायमंड का कौन सा टूल दे रहा है, तो जल्दी से इसको लेवल अप करो। तो चलो लेवल अप लेवल 2 हो चुका है, अभी इसको लेवल 3 का करते हैं, देखते कौन सा टूल दिया इसने। तो चलो लेवल 3 का ये हो चुका है, देखते हैं अभी क्या दिया। सवल इस बंदे ने देखो सवल दे दिया है, तो लास्ट में मेरे ख्याल से पिकैक्स देते हैं हमेशा की तरह। तो चलो लेवल 3 का, तो अभी मतलब इसने अपना आयरन का क्या बंद कर दिया है, मतलब ट्रेडिंग, तो उसका हम बाद में अपग्रेड करेंगे। तो अभी के लिए दूसरा आयरन मेरे पास टेबल है, और इतना सारा हो क्यों पड़ा हुआ है मेरे पास पता नहीं, तो इसको मुझे जलाना भी पड़ेगा, तो मैं जला के आ जाता हूँ इसको जल्दी से। तो इसको खोलो, मेरे क्या होता है एक्सपी फार्म पे ही पड़ा हुआ एक ठोला हुआ किट, तो उसी को हम जला देंगे। तो जितना भी कचरा सामान इसको फेंक के, यार रुको इधर भरा पड़ा यार आयरन, तो एक मिनट, तो इसको पहले मार लेता हूँ मैं भाई, सामान अच्छा मिल जा रहा है तो अच्छा ही, कितना जल्दी भाई एक्सपी मतलब जो भी लोग यहाँ पर पकड़, अरे ये भी आ गया मर पक, ठीक है ये हो चुका है। अभी जितना भी हम कचरा सामान फेंकते हैं जल्दी से जला देते हैं उसको, चलो गए जितना भी कचरा सामान था फेंक दे मैंने, अभी इसको जला दो खत्म, वापस लावा किट भी रख देता हूँ, हमेशा दरकार यहीं पड़ता रहता है, कितना भरा पड़ा है सामान भाई क्या बताएं। ठीक है जल्दी से चलते हैं और देखते हैं और कोई विलेजर खाली पड़ा हुआ है कि नहीं, उसको हम स्मिथिंग टेबल का दे देंगे जॉब को। तो कौन पड़ा हुआ है जो भाई, वो देखो पड़ा हुआ है, जल्दी से जॉब ले ले भाई। अब कौन ले गया जॉब, अरे अब तो कोई खाली भी नहीं है, तू लिया गया, कौन है और दिखाओ तो कौन है भाई साहब, ये कहाँ कहाँ से आते हैं, चलो हटो, अरे हट जाओ भैया फार्मर। तो इसको ये देखो ये रहा जो बोला, तो इसको जल्दी से तोड़ देता हूँ मैं, इसको लगा देता हूँ, चलो इसको भी अपग्रेड करते हैं जल्दी से अभी। तो चलो गाइस इसको हम लेवल 2 का करते हैं, उसको देखते हैं ये बंदा मुझे क्या देगा। तो जल्दी से इसको मैं कर देता हूँ अपग्रेड, ये रहा लेवल 2 हो चुका है, इसको लेवल 3 का जल्दी से करते हैं, लेवल 3 इज डन। तो अभी देखते क्या दे रहा है बंदा, एक्स देते, चलो सवाल दे रहा है ये एक्स दे रहा है, लास्ट में देखते हैं मैक्स उनसे क्या क्या देगा। तो अभी तो दोनों का ट्रेड ही बंद है, तो मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा देर बाद आना पड़ेगा, तो अभी तो कुछ नहीं, जितना भी सवाल है उसको मैंने जलाना भी तो पड़ेगा मुझे। तो देखो इसका भी बंद हो रखा है, ठीक है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं, और थोड़ा एक दिन बाद में आता हूँ, तभी लेकर अपना ट्रेड खोलेगा तो खोलेगा नहीं ये तो। तो चलो जितना भी सवाल है इसको मैं जला देता हूँ, उसके बाद ख़त्म, तो ख़त्म ही करो सबसे पहले। तो चलो जला दिया मैंने सारा का सारा सवाल, अभी रख देते हैं मैं वापस को लावा के यहाँ पर। अभी चलो
मारते रहे तो बस यहाँ पर अभी यार तो कुछ कम धंधा है नहीं मुझे यहाँ पर, थोड़ा एक्सपी हो जाएगा तो चलो एक दिन मैं बाद आता हूँ यहाँ पर। तो चलो कैसे एक दिन हो चुका है, अभी वापस जा रहा हूँ मैं अभी, तो चलो जल्दी से अभी करो इसको करो बंद यहाँ पर अभी। तो देखते हैं खोला करिए अपना क्या बोलता है ट्रेडिंग को, चलो चलो ट्रेडिंग खुल चुका है तो चलो इसको करता है अभी मैक्स दोनों को, दोनों ब्लेजर को मैक्स करते हैं। चलो पिक एक्सिस बंद ने दिया है, देखते हो वो क्या देता है। एफिशिएंसी 2 लगा हुआ है एफिशिएंसी, इसमें अनब्रेकिंग लग कुछ लगा हुआ था यार देखा नहीं ढंग से। ठीक है इसको करो बंद अभी, इसको देखते हैं इसने क्या किया है। एक्स खुला हुआ है इसका, जो इसको मैक्स कर देते जल्दी से। तो ये हो चुका है पूरी तरह से मैक्स, मास्टर बन चुका है ये। ये भी पिक एक्स ही दिया है यार, ठीक है कोई बात नहीं, इंटरव्यू भी ठीक ठाक ही लगे हुए हैं, इसमें अनब्रेकिंग लगा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं चलेगा इतना तो चलता है। तो अभी चलो सब कुछ हो चुका है, सब कुछ खुल चुका है, मतलब विलेजर का सब कुछ खुल चुका है अभी। तो सबसे पहले हम आर्मर को खरीदेंगे, उसके बाद ही हम टूल्स खरीदेंगे क्योंकि आर्मर का बेसी दरकार है मुझे। चलो जी मेरे पास जितना भी आयरन बचा है उसको मैं बेच देता हूँ, उसके बाद हम डायमंड का आर्मर खरीदेंगे। तो जल्दी से चलो जितना भी आयरन हम बेच देते हैं यहाँ पर, तो आर उधर भी मेरे ख्याल से ओ वाला विलेजर के पास भी मेरे पास आयरन मतलब खुला रहेगा, देखते हो मेरे को एक मिनट। तो ये रहा इसका पास खुला ही गया आयरन का, जो कोई खुला हुआ है तो उसको भी बेच देते चलो जितना भी है। तो चलो सारा का सारा आयरन मैंने बेच दिया है, तभी चलो डायमंड के खरीद लेते हैं, मैंने कुछ आर्मर खरीद लेते हैं यहाँ से अभी। तो लेगिंग सबसे पहले खरीद देता हूँ मैं यहाँ पर, चलो लेगिंग्स मैंने खरीद लिया है और चेस्ट प्लेट के पास बचा ही नहीं एमरल्ड, ठीक है कोई बात नहीं अभी इससे खरीद लेते हैं, मेरे ख्याल से सस्ता में बेच रहा था तो देखते हैं रुको। हाँ देखो ये सस्ते में बेच रहा है, तो इससे जूता तो नहीं नहीं चेस्ट प्लेट खरीद लेते सबसे पहले, मेन जो चीज़ है वो खरीदते हैं। चलो चेस्ट प्लेट खरीद रहे मैंने, आर्यन लोगों का तो क्या बंद है आर्यन का पूरा ट्रेडिंग, तो अभी मुझे एक दिन छोड़ के आना पड़ेगा। तो चलो चलते इधर से अभी, बंद करो इसको जल्दी से अभी। तो चलो भाई यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जानवर के लिए, क्यों क्योंकि जानवर मैंने बीच में कैद कर रखे हुए हैं और कुछ अच्छा लग भी नहीं रहा है मेरे को। तो यहाँ से हम एक जल्दी से प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उसको केज यहाँ पर बना देंगे, एक तो बाड़ा एक बना देंगे। चलो इस प्लेटफॉर्म मैंने बना दिया है, तो अभी इसको क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ देते हैं या फिर मैं फेंस बना यहाँ पर बना देता हूँ, फेंस नहीं यार, ठीक है जल्दी से फेंस मैंने बना लिया है। चलो फेंस भी हम जल्दी से यहाँ पर लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे आके मिलता हूँ मैं। तो चलो इस फेंस भी मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत लगा दिया है, देख सकते हो तुम कैसे लगाया मैंने फेंस। अभी बीच में जाके मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक मतलब एक तरह से मतलब जगह बनाना पड़ेगा, गाय के अलग जगह, घुसरी के लिए अलग जगह, अलग अलग सबके लिए जगह जगह एक ठो। तो चलो उसको भी हम जल्दी से करते हैं। तो लग यहाँ पर मैं आने जाने के लिए खुद के लिए कर रहा हूँ मिला, तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, तो इसको भी तोड़ो यहाँ से अभी। तो अभी के लिए रुको, कितना जगह छोड़ना चाहिए वो भी देखना पड़ेगा यार, दिक्कत है। तो क्राफ्टिंग टेबल तोड़ लेता हूँ मैं यहाँ से सबसे पहले, तो चलो ये हो चुका है ख़त्म। तो अभी देखो रुको जाके गिनता हूँ कितना ब्लॉक मुझे छोड़ना चाहिए, तो रुको एक मिनट, यहाँ पर एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चार ब्लॉक में मतलब तीन ब्लॉक में रहेंगे कि चार ब्लॉक में रहेंगे, यहाँ पर रख दूंगा तो तीन ब्लॉक में रहेंगे, तो मेरे ख्याल से चार ठीक रहेगा, चार ब्लॉक में बिल्कुल रहेंगे तो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। चलो अब इसी को पर पीछे लेके चलते हैं और ये सब करने के बाद मैं डैड ब्लेजर के पास में जाऊँगा, चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो जो आपसे ब्लेजर के पास जा रहा हूँ, एक दिन तो हो चुका है मेरे ख्याल से, तो अभी मेरे ख्याल से आयरन खरीद रहे होंगे, मतलब खरीद रहे होंगे बिल्कुल आयरन, तो देखते रुको खरीद रहा है कि नहीं आयरन। चलो आयरन ले रहे हैं अभी, तो चलो जल्दी से को कर लेते हैं। चलो आयरन जितना भी था सारा सारा बेच दिया और आयरन खत्म पूरी तरह से, मेरे का आयरन खत्म हो गया। अभी चलो जूता खरीद लेते हैं यहाँ से अभी, तो ये रहा जूता, इसको खरीद लिया मैंने। अभी हेलमेट का बारी है, तो हेलमेट तो मेरे पास सही नहीं, तो मुझे हेलमेट खुद ही बनाना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से जाके हेलमेट बनाते हैं और निकलते हैं इधर से। तो चलो कैसे यहाँ पर मैं एक डायमंड का हेलमेट भी बना देता हूँ जल्दी से, और डायमंड का आयरन पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरा, तो इसको रख देते वापस डायमंड। तो चलो डायमंड कार्बन पूरा मैंने बना दिया, देख सकते हो तुम। अभी मुझे बस डायमंड के टूल्स कुछ लेने हैं, उसके बाद हमारा पूरा चीज़ डायमंड का हो जाएगा। तो आयरन तो खत्म हो गया, तो मुझे आयरन फार्म पे जाना पड़ेगा और कुछ जमा करना पड़ेगा। चलो जैसे हम पर आयरन फार्म पे हम आ चुके हैं, तो जल्दी से हम यहाँ पे कुछ आयरन ले लेते हैं। देखो आयरन तो मुझे लगा था यहाँ ऑफलाइन करना पड़ेगा मिकिल, और आयरन पहले से ही। चलो विलेजर के पास चलते हैं, तो विलेजर के पास मैं यहाँ पर आ चुका हूँ गाइस, तो अब इसको बंद करो। अब जितना भी टूल्स है उसको हम खरीद लेते हैं, तो मेरे पास कुछ एमरल्ड पड़े हुए हैं तो जल्दी से खरीद लेते हैं। अरे छः आयरन बेच रहा है कमीना साला, छः आयरन पे एक एमरल्ड दे रहा है क्या बताऊँ। ठीक है कोई बात नहीं, अब जल्दी से मेरे पास एमरल्ड तो है, तो जल्दी से हम खरीद लेता हूँ। पहले सवाल खरीदो, तो सवाल खरीद लिया मैंने, अभी क्या खरीद लिया पिकेस भी। चलो आर ख़त्म हो गया क्या बोलते हैं एमरल्ड, तो वापस मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ और उसको खरीद लूँगा। तो चलो वापस मैं थोड़ी देर बाद आया था, उसके बाद मैंने कुछ एमरल्ड जमा कर लिए। अभी चलो इससे हम एग्स भी खरीद लेते हैं। चलो ये एग्स भी क्या एनचेंटमेंट लगा हुआ है इसमें, ब्रेन ऑफ वॉर पता नहीं क्या ये। ठीक है कोई बात नहीं, अभी के इसमें कोई है नहीं, चलो जल्दी से अभी खरीद लेते हैं। चलो हर चीज़ मैंने डायमंड का खरीद लिया है, तो हर चीज़ ख़त्म, तो बस खत्म हो चुका है हमारा, अभी चलो निकलते हैं यहाँ से। तो चलो कैसे आज के लिए इतना ही, अगर तुम वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो दोस्तों को ऐसे और वीडियो देखने के लिए। अगर तुम्हें मेरा नॉर्मल वर्ल्ड का देखना है गेम प्ले माइनक्राफ्ट का, तो तुम इस वाले प्ले लिस्ट पर क्लिक करो और देख लो। अभी के लिए गुड बाय गाइस। Walking alone, the streets are empty.